एवरीवन, वेलकम टू रिलेटेड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई भी कुकिंग रिलेटेड वीडियो नहीं लेके आई हूँ और ना ही कोई ट्रैवल रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कढ़ाई रिलेटेड वीडियो। जी हाँ, जैसे कि हम कोई कढ़ाई करते हैं, कोई डिज़ाइंस करते हैं, तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे सिंधी कढ़ाई करना। और इसके लिए मैंने अपनी चाची को कन्विंस किया है कि वो हमें ये कढ़ाई सिखाए। तो बहुत ही अच्छे से कढ़ाई करना सिखाती है वो, मतलब शी इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, अगर हम एक वर्ड में उन्हें डिफाइन करें। और उनसे हमें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उनका घर मेरे घर के जस्ट बिल्कुल बगल में है, और हमारी जो छतें हैं, जो टेरेस है, वो बिल्कुल जॉइंट है, मतलब एक दूसरे की छतों पर हम लोग जा सकते हैं। और शाम को हम लोग साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं, और बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को भी मिलता है। और साथ में बगल में एक आंटी का भी घर है, जो भी हमारी फैमिली रिलेशन की तरह है। तो तीन छतें मिली हुई हैं, तो मैं अपनी टेरेस से ज़रूर आपको तीनों टेरेस दिखाऊंगी जो आपस में जॉइंट हैं। और हाँ, थोड़ा सा कैमरे के आने में वो थोड़ा सा शर्माती है, तो प्लीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार। तो चले चलते हैं और उनसे सीखते हैं, उनसे सब कुछ यू सीख लेते हैं जो कुछ भी उनके पास है। तो घर की टेरेस तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं जो चाची ने डिज़ाइन की हुई हैं, इतनी सुंदर बेडशीट्स, कुशन वगैरह। तो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई की वीडियो या फिर इसे सीखने की वीडियोस में पार्ट्स में शेयर करूंगी, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस कढ़ाई के बारे में, या फिर हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी इस कढ़ाई के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस कढ़ाई को सीखेंगे। एंड डोंट वरी, वो वीडियो मैं साथ में इस वीडियो के अपलोड करूंगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, चाची बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कढ़ाई के बारे में। तो चाची, ये हमें बताइए, ये जो आपने बेडशीट डिज़ाइन की है, ये कौन सी कढ़ाई है, इसका नाम क्या है? इसको सिंधी कढ़ाई कहते हैं अपने इधर नॉर्थ इंडिया में, और गुजरात साइड में इसे कच्छ की कढ़ाई भी कहते हैं। अच्छा, मतलब ये कौन सा कपड़ा है जो हमने यूज़ किया है, लाइक कौन सी बेडशीट? बेडशीट हमेशा मोटे कपड़े की बनानी चाहिए, तो इसलिए इसके लिए हमने इसको ग्लेस कॉटन कपड़ा यूज़ किया, जिससे कि आप बिछाएंगे जब तो ये सिमटेगी नहीं और एम्ब्रॉयडरी बहुत खिल के आती है। अच्छा, अगर ग्लेस कॉटन ना लें तो कौन सा? तो केसमेंट का कपड़ा अच्छा होता है। कौन सा? केसमेंट मोटा कपड़ा होता है, कॉटन, प्योर कॉटन होता है। हाँ, मोटा होना चाहिए, मोटा कपड़ा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो थ्रेड वगैरह तो हम बाद में देखते हैं, आप हमें वो कुशन कवर्स दिखाइए जो आपके पास है ना। ओके, हाँ ये दिखाइए। ठीक है, तो ये जो कुशन कवर है, ये कौन सा, लाइक कौन सा कपड़ा है जिसपे आपने बनाया है? ये हमने बनाया है स्पन कपड़े पे, ये भी एक तरीके का मोटा कपड़ा होता है जिसपे एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। स्पन कपड़ा। अच्छा, अगर स्पन कपड़ा ना हो तो कौन सा, कॉटन भी यूज कर सकते हैं? कॉटन तो ले सकते हैं, लेकिन मोटा होना चाहिए, यानी कोई भी कपड़ा हो लेकिन मोटा होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, ओके। और बाकी और भी कुशन है, उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, ये भी सेम कपड़ा है? हाँ, ये भी सेम कपड़ा, कलर का डिफरेंस है, डिजाइन का डिफरेंस है। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत आपने बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो मेरे व्यूअर्स को भी दिखाइए आपने कैसे बनाया है। तो अब इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या, मतलब क्या है ये? ये ऐसी कवर है जैसे तुम मंदिर जा रही हो उस पर ढाक के रख सकती हो, या किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ हो सकता है। और इसको फ्रेम करा के आप एज ए वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं, दीवार पर लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे अगर हम फ्रूट वगैरह किसी गेस्ट के सामने रख रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसे डाइनिंग टेबल पे कवर करने के। ओके ओके, तो अब इसके लिए शुरू करते, क्या क्या चाहिए होगा हमको? इसके लिए चाहिए होता है कोई भी कपड़ा। अभी तो मेरे पास एक घर में यू ही कपड़ा पड़ा हुआ था महीन, तो हम उसे ही करके बताएंगे आपको। लेकिन इसके लिए मेन बात है कि एंकर थ्रेड, एंकर के धागे चाहिए होते हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं, आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। अच्छा, कलर अपनी चॉइस के हम ले सकते हैं, एंकर का होना चाहिए क्योंकि वो कलर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और वैसे इस कच्छ की कढ़ाई और सिंधी कढ़ाई के लिए स्पेशल थ्रेड भी आता है, वो इस बॉल के फॉर्म में आता है, ये देखो। अच्छा, इसकी खासियत होती है कि ये थ्रेड जो है वो सिंगल होता है, ये इसको आप सिंगल बस डाल के इससे एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और जो ये एंकर के थ्रेड्स होते हैं, इसमें एक थ्रेड में 6 थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, ये देखिए ऐसे करके देखो, एक इसमें 6 थ्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा, तो इसकी कढ़ाई के लिए कम से कम 3 थ्रेड्स होना बहुत ज़रूरी होता है, 3 थ्रेड्स की एक संग कढ़ाई हो सकती है। और अगर आप ये वाला एंकर वाले कोट ले रहे हैं तो इसके लिए सिंगल थ्रेड ही ठीक रहता है, और जो चादर में कढ़ाई करी हुई है इसी सिंगल थ्रेड से करी हुई है। ओके, ये भी डिफरेंट कलर्स में आता है। अच्छा, तो अदरवाइज एक तो ये ले सकते हैं, अगर ये नहीं मिल सकता है तो एंकर वाले का 6 में से 3 थ्रेड्स लेके आप उसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। अच्छा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके फाइन, ओके।
तो ये मोटे वाले थ्रेड से करी आपने? ये मोटे वाले थ्रेड से। और ये सारी डिजाइन जो आपने की है ये सब ये सिंगल वाले थ्रेड से करी, मैं थ्री थ्रेड्स लिए हैं। अच्छा, थ्री वाले से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं चाची इसे कैसे बनाती हैं। तो इसके लिए आपने क्या लिया है? इसके लिए किसी भी कपड़े में फ्रेम लगाना होता है जिससे कि कपड़ा ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। अच्छा, और कढ़ाई की फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है। अच्छा अच्छा, तो ये फ्रेम है हमारा। ओके, अच्छा इसमें आप जब बाजार से एम्ब्रॉयडरी प्रोफेशनल तरीके से करवाएंगे तब तो वो आपको डिजाइन स्केच करके देते हैं। जी, अभी हमें शुरुआत करनी है तो इसके लिए हम आपको खुद ड्रॉ करके बताएंगे। बेसिकली सिंधी या गुजराती कढ़ाई की स्टार्टिंग एक सिंपल ब्लॉक से होती है। ओके, ये ब्लॉक आपको दिख रहा है? जी, ये सिंपल ब्लॉक से होती है और उसको और भी सिंपल बनाने के लिए जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो बॉक्स को इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा बाहर रहता है, ये कॉर्नर्स निकले रहते हैं। अच्छा अच्छा, इससे बिगनर्स को स्टार्टिंग में मतलब एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत आसानी पड़ जाती है, टाके समझ में आएंगे। जी, एक मिनट में ले लेती हूँ। ओके, ताकि लोग अच्छे से समझ सकें। अच्छा, एक बात और भी बता दें, इस कढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जैसे ये इतनी सुंदर लग रही है ऊपर से देखने में, इसके नीचे की फिनिशिंग सबसे बड़ी खासियत होती है, नीचे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ओके, कहीं भी उलझती नहीं है, कहीं भी फंसती नहीं है। नहीं, देखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया कढ़ाई है ये। तो हम ये लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके बाद ये बॉक्स ड्रॉ करना सीखेंगे। और चाची, ये जो आपने ये मिरर वर्क किया ये क्या है चाची? ये भी हाथ से ही बनाया है, इसमें ये हाथ से इस तरीके से सर्कल ड्रॉ किया जाता है ये। अच्छा, फिर इस पर एम्ब्रॉयडरी करी जाती है जो इसमें यहाँ पे दिख रही है ये। अच्छा, और उसके बाद मिरर रख के इसको टाइट कर दिया जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियोस में आगे हम ये भी बताएंगे आपको कि ये मिरर कैसे लगाया जाता है। ओके ओके, अच्छा, और ये बाकी जो ये लेस लगी है, लेस टाइप, ये तो रेडीमेड पाइपिंग होती है, जिनको स्टिच आती है वो लोग पतली पतले कपड़े की काट के लगा सकते हैं, और ये रेडीमेड भी मिलती है पाइपिंग, इसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इंसान अपने हिसाब से लोग लगा सकते हैं। अच्छा, तो हमने जो पाइपिंग लगाई है, मतलब आपने जो पाइपिंग लगाई है, ये कुशन पे डिज़ाइन करने के पहले लगाई है या बाद में लगाई है, मतलब कैसे क्या किया है? कुशन के लिए बनाने के लिए हम लोगों ने ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया था, उसके बाद हम लोगों ने कुशन के जितना भी साइज़ है उसके हिसाब से कटिंग कर ली। अच्छा, और फिर ये ड्रॉ जो हमको ड्रॉ करना एम्ब्रॉयडरी करनी उसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद हमने इसमें पहले तो पाइपिंग लगा ली। आपने लगाई है पाइपिंग? अच्छा, पाइपिंग मशीन से लगती है, मशीन से। और किसी को ना आती हो तो टेलर को दे दे। अच्छा, टेलर लगा देगा। अच्छा, ये पाइपिंग लगा के आपको दे देगा, फिर आपने अकॉर्डिंग आपको जो भी ड्राइंग ड्रॉ मतलब डिज़ाइन ड्रॉ करनी है उसको करके पूरा आप रेडी, ये फ्रंट पोर्शन आप रेडी कर लेंगे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम कि मतलब उतना मार्जिन रख के हम अपनी डिज़ाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद लास्ट में ट्रेलर को दे दें वो अपने आप से पाइपिंग वगैरह? नहीं नहीं, उससे फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छा, वो मानिए कि हमने इसको बेल ऐसे बनाई है, उसने पाइपिंग इसके ऊपर रख दी या मिरर के ऊपर कुछ पाइपिंग आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पहले पाइपिंग जरूरी है। अच्छा फाइन, और बाद में हम स्टिच करवा लें। अच्छा, तो ये कुशन रेडी हो जाएगा इस तरीके से। ओके गुड, तो सिंधी कढ़ाई के बाद हम लोग ये भी सीखेंगे चाची से, इसे शटल वर्क कहते हैं। शटल वर्क, शटल वर्क। ओके, तो ये आपने क्या किया? साड़ी डिज़ाइन की है। साड़ी डिज़ाइन, ये साड़ी का पल्ला है और ये साड़ी का बेस है, बेस में हमने इस तरीके से। अच्छा, बनाया है। ओके, तो ये भी हम सीखेंगे। ये साड़ी, इसमें से बॉर्डर टक किया हम लोगों ने। जी, तो पहले हम सिंधी कढ़ाई सीख लेते हैं, उसके बाद हम ये भी मतलब बहुत कुछ सीखने को है हमें चाची से। तो फ्रेंड्स, इस कढ़ाई को सीखने की वीडियो मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है एंड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज चाची बहुत ही अच्छे से समझाती हैं। एंड कोई भी डाउट हो आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अ प्रीशियस टाइम।